जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुपर स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पोस्ट जो आपका पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत जो वैकेंसी आई हुई है, ठीक है, इंडियन पोस्ट GDS ऑनलाइन रिक्वायरमेंट, ठीक है, ये आपकी जो पोस्ट आई हुई है इसके बारे में मैं डिटेल्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो का अंत तक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट आई हुई है, ठीक है, किस किस राज्यों के लिए है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है इसके बारे में भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाल बटन को दबाकर बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर मैं अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात यहाँ पर कौन कौन से राज्य है देखेंगे। सबसे पहली बात, ठीक है, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, ठीक है, केरला, पंजाब और, ठीक है, पंजाब सर्कल्स, मतलब यहाँ पर इतने राज्य यहाँ पर आप लोगों के लिए दिए गए हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा नोटिफिकेशन पढ़वाने वाला हूँ, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें यहाँ पर, योग्यता क्या है, ठीक है, सभी चीज़ें यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ, ठीक है। सबसे दूसरी यहाँ पर जो मैं बात करने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट, रजिस्ट्रेशन फी ऑफ अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट, ठीक है, मतलब 5/8, ठीक है, 5/8/2019 से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, याद रखिएगा, ठीक है, आज से ही फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना, ठीक है। जो आपकी जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, फॉर्म भरने की और फीस अप्लाई करने की, सिर्फ 4/9/2019, मतलब एक मंथ आप लोगों को जो है यहाँ पर दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बात है ये मैं आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पर देखिए, फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, इसके लिए मैं कल आप लोगों को एक विशेष जो है वीडियो अपलोड कर दूंगा कल की डेट में, ठीक है, या फिर आप अगर देख रहे हैं वीडियो तो अगर 2 से 3 दिन बाद वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप मतलब फॉर्म भरना है उसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। दूसरी चीज़ देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन, ठीक है, तो नोटिफिकेशन में क्या कुछ कहा गया है देखिए। सबसे पहले अलग अलग पंजाब जो है राज्यों के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन है, ठीक है, तो जो है यहाँ पर आप लोगों को कुछ भी नहीं है, 10वीं योग्यता चाहिए सबसे पहली बात, अगर आप 10वीं पास है तो इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो कितनी फीस है उसको देख लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ फीस के बारे में। फीस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपको मात्र 100 रुपये की फीस यहाँ पर पे करनी होगी, ठीक है, वो भी ST SC और जो हैंडीकेप जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर फीस की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपका जनरल और OBC वालों को जो है यहाँ पर आप लोगों को 100 रुपये की फीस देनी होगी। अब यहाँ पर कौन कौन से स्टेट फॉर्म भर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश, असम, ठीक है, और यहाँ पर बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है, और यहाँ पर जो है झारखंड, कर्नाटका, केरल, मध्य प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, सभी राज्य, मतलब यहाँ पर अगर मैं पूरी बात अगर आप लोगों को बताऊँ तो जितने भी ऑल ओवर स्टेट है सभी जो है इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, है ना। और यहाँ पर बात जो है सिर्फ 6 राज्य के लिए जो है यहाँ पर वैकेंसीज रखी गई है, ठीक है, तो जो बिहार में, गुजरात में, कर्नाटका, केरल, ठीक है, और पंजाब, मतलब इन राज्य में जो है आपको वैकेंसी जो है इनके लिए जो दिया गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर कि जो है सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन आप लोगों को करना है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, दूसरे में आपको फीस पेमेंट करनी है और तीसरे में आपको जो है लास्ट ऑफ पोस्ट ऑफिस, मतलब जो है स्टेप जो फाइनल स्टेप है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है फील सबमिशन में जो है स्टेप 2 में क्या है अपलोड डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तीसरे में क्या है सबमिट पोस्ट रिफरेंस, मतलब पोस्ट आपको चूज करना है, ठीक है, उसके बाद जो है प्रीवियस एंड टेक प्रिंट आउट, मतलब प्रिंट आउट लेना है और कंप्लीट जो आप दिस 3 स्टेप विल ओनली बी, ठीक है, थ्रेडेड एस सबमिटेंस ऑफ जो एप्लीकेशन, मतलब सबमिट करके जो है आपको एप्लीकेशन अपने पास रखना है, मतलब कहीं भी इसको एप्लीकेशन को भेजने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाँ देखिए यहाँ पर कोई भी भेजने के ऑफिस नहीं बोला, तो फीस जो पेमेंट करना है किस प्रकार से करना है, ठीक है, तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको फॉर्म भर के जो है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, है ना, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप और रिजल्ट, ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सभी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे पहली बात 10वीं आपको चाहिए, दूसरी चीज़ आप जो है मध्य प्रदेश सॉरी आपको इंडिया जो है भारत के निवासी होना चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष कम से कम इसके लिए उम्र चाहिए, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी पोस्टेस है, ठीक है, असम, बिहार के लिए सबसे ज़्यादा, ठीक है, गुजरात के लिए भी यहाँ पर पोस्ट है, ठीक है, कर्नाटका, ठीक है, लगभग आपकी 10,000 से ज़्यादा यहाँ पर पोस्ट है जो कि पोस्ट गार्ड की, ठीक है, तो इसके बारे में सिलेबस वगैरह सभी जानकारी मैं पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुँचाते रहूँगा, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे लाल बटन दिख रहा होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।